राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन में विद्यालय बंद रखने का आदेश है, परंतु इस अवधि का वेतन भुगतान हड़ताली शिक्षकों को छोड़कर किया जाएगा। सरकार ने पत्र जारी करके ये निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि हड़ताल की अवधि के लिए नो वर्क नो पे के सिद्धांत का अक्षरशः अनुपालन करते हुए वेतनादि का भुगतान नहीं करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं है अथवा हड़ताल से वापस आकर विद्यालय में योगदान दे चुके हैं, उनके कार्यरत अवधि का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित निदेशालय को भेजे। फिलहाल स्थिति यह है कि बिहार के अधिकतर शिक्षक हड़ताल पर बने हुए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस पत्र का क्या परिणाम निकल कर सामने आता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पत्र का लिंक दिया हुआ, आप क्लिक करके पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।